नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर एल बार जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। तमाम लोग बैठे हैं और इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो आने वाला चुनाव है 17 नवंबर के दिन यहां पर मतदान होगा और मतदान में ये लोग किन उम्मीदों के साथ, किन आशाओं के साथ और किसको वोट करेंगे, यही जानने के लिए हम लोग आज इन लोगों के पास आए हैं। ये क्या नाम है? सुषपाल सिंह। तो सुषपाल सिंह जी, विधायक जी भी सुषपाल सिंह हैं। हाँ। तो इस बार किसको वोट देने का इरादा है? वोट तो अब देने हैं बैजन सिंह को, नितिन सिंह राठौर को। तो ऐसा क्यों कि नितिन सिंह राठौर? अरे तो देना है उन्हीं को, कहना इनने क्या किया है, मतलब विकास कार्य नहीं कुछ नहीं किया। तो जो महिलाओं को 1000 रुपए महीने वो कह रहे हैं, हर महिला को बेदखत कह रहे 1000 देंगे हम, मतलब 1000 1250 रुपए शायद अब कीमत उन्हें कर दी है, तो 1500 रुपए देंगे, तो उस तरफ आप माहौल झुका लिया है। अरे तो माहौल नहीं झुका है, वो तो वोट वही को देना ही था हम लोगों को, नितिन सिंह को देना था। हाँ। तो अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें फिर क्यों लोग कम रह गए थे? इनने कुछ नहीं किया है, ना कार्ड बनवाया, कुछ नहीं है मेरे पास, जाम मतलब भी नहीं है एक एकड़ ही। मतलब आने वाले चुनाव में नितिन सिंह राठौर की तो नितिन सिंह राठौर अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनसे आपको क्या आशाएं हैं? अब आशाएं अब जो कर दे मैं तो ठीक है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? कुलदीप राजा। तो कुलदीप राजा, आप तो युवा हैं, और युवा किस तरफ इस बार जा रहा है? युवा नितिन राजा की। नितिन राजा अकेले, बैठ जाइए पहले आप। नितिन राजा को ही आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, नितिन राजा को देंगे। इस बार याद हमने 15 महीने के लिए, 18 महीने के लिए बने थे, उनने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया हमारे गांव में। अभी आप चल कर देखिए, स्कूल में मास्टर भी तलाक नहीं आ रहा है, स्कूल भी नहीं खुलता है। जिन परिस्थितियों की आप लोगों ने, चूंकि आप चुनाव है अलग विषय है, लेकिन स्कूल आप कह रहे हैं 15 महीने से नहीं, तो उसकी शिकायत कहीं ऊपर उच्च अधिकारियों तक नहीं आते हैं? पर बैठे बैठे चले जाते ना, बच्चों को पढ़ाते हैं तो खुल गया या नहीं खुला, ऐसा ही है काम। और शिषपाल यादव ने कुछ नहीं किया मेरे गाँव में, बस इन नल जल योजना चालू करी, अब जिसके भी कारण हुई हो, चाहे शिषपाल ने करवाई हुई, चाहे नितेंद्र सिंह राठौर ने, चाहे मुख्यमंत्री जी ने, जिसने भी करवाई हुई। अच्छा, एक तरफ सरकार कह रही है लाडली बहना योजना, तो आपके घर में किसी को पैसा नहीं? नहीं, हमारे यहाँ किसी को नहीं मिलता, मम्मी है मम्मी को भी नहीं मिलता। चलिए, तो लोग अब आने वाले चुनाव में आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देख रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? सरकार कमलनाथ, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो लोग किस तरह। भैया, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? क्या सरकार बनना है कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी? हाँ। ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के साथ किया था कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती है गरीब आदमी का, ये भाजपा किसी कुछ नहीं किया है हमारे यहाँ। तो यहाँ ऐसा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग माहौल बना करके रखे हैं इस गांव में, और एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बराबर फाइट में दिखा रहे हैं कि उतनी ही भारतीय जनता पार्टी उतनी ही कांग्रेस पार्टी। अरे कुछ किया ही नहीं हमारे गांव में, विकास होता तो कदे गए उन्हें वोट देने, अब विकास ही नहीं हुआ है तो कांग्रेस की सरकार चाहिए हम लोग। तो आप लोग क्या विकास चाहते थे गाँव में जो अभी तक आप लोगों के यहाँ नहीं हुए? अरे अभी ऐसे ये टंकी बन गई, ऐसे और विकास हो जाते कैसे? अभी टंकी का तो किसने बनवाई? मुख्यमंत्री ने बनवाई कि विधायक ने बनवाई? अच्छा, मतलब केवल टंकी बनी है, इसके अलावा विकास नहीं हुआ है? कुछ विकास नहीं। तो आप भोपाल में इस बार कमलनाथ को देखना चाहते हैं, तो अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप लोगों की क्या मांग रहेगी सरकार से? अरे सब ये पैची मैची लासन वासन ये तो मिलन लगे आदमन हो, गरीब आदमन हो, अभी नहीं मिलता उछाला, जैसे हम लोग रात और दिन में खड़े ही हैं फसल रखाएं, तो गौशाला बन जाए तो बने हम शौकीन से घाये तो सोए। गौशाला का तो पूरा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग हर जगह गौशाला खुलवा रहे हैं। अरे कहाँ खुलवाई हमारे यहाँ तो कहीं क्षेत्र ही में नहीं है हमारे तो। चलिए, तो लोग थे जिन लोगों से हमने बात की, और आगे भी लोगों से बात करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? बंटी राजा। तो बंटी राजा जी, इस बार किस तरफ माहौल? इस तरफ कांग्रेस का है। तो ऐसा क्यों कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस ही है, कांग्रेस वोट देने इसलिए। तो फिर दो अभी जो चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि चुनाव नितिन राजा हार जाते, सुषपाल यादव जीत जाते? उन्हीं की सब सरकार नहीं की थी, अब सरकार की वजह से। और का आप लोगों ने वोट कहाँ दिया था? हमें कांग्रेस पर।
कांग्रेस, तो फिर आपने कैसे वोट कर दिया कांग्रेस में जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ दबाव था? अब लोग उनकी साथ सब पुलिस सब दारू ऐसी पेटियां ने भी कराई थी, पुलिस बाहर भी ले लेके आ रहे थे, सब नहीं होता दबाव होता से एक तरफ आ जाए, जीत गए जीत गए। चलिए और भी लोग हैं भैया, क्या नाम है? देवेंद्र राजा। तो देवेंद्र जी, इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस की बनना है सरकार और विधायक भी कांग्रेस का। तो ऐसा क्यों कि कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस एसएसपाल ने किया है? और एक तरफ वो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना में महिलाओं को इतना रुपया दिया है, तमाम कुटियां दी, आवास जो होते हैं और भी तमाम योजनाओं को वो गिना रहे हैं कि हम लोगों ने काम किया है और उसी पर जनता हम लोगों ने विश्वास करेगी। तो क्या ये विकास आप लोगों के पास तक नहीं पहुँचा? नहीं, कोई भी विकास नहीं पहुँचाया। तो अब अगर नितिन सिंह राठौर यहाँ से जीते हैं तो आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? आपने तो कुछ नहीं रहने, जो उन्हें करने अभी अपने उसे कर जी, वोट नितिन सिंह को देना है केवल। चाचा क्या नाम है? लल्लू राजा है। तो इस बार चुनाव में, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है आपको पूरे चुनाव में अपने गांव का माहौल? हमारा माहौल हमारे गांव को तो विजय सिंह के उनको जीतने नितिन सिंह। हाँ, नितिन सिंह। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि नितिन सिंह? ऐसा लग रहा है कि जो सिसपाल है जो जातबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, जातबाजी कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने लाडली बहना योजना दी। लाडली बहना सिर्फ लाडली बहन को दई हुई हिसाब से दई हुई, हमें कोई पता नहीं है लाडली बहन को दई हुई। हमारे तो जो गांव का माहौल बोला खूब लाडली बहना रहा चाहे कौन बहना रहा है, हमारे ना तो उन्होंने दे जीते हूँ। अच्छा, नितिन सिंह को आप लोग वोट दे रहे हैं, तो अगर नितिन सिंह यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? क्योंकि मांग जब मैंने गांव के लोगों से बात की तो सब लोगों ने कहा कि हम तो केवल जिताना चाहते हैं। जिताना चाहते हैं, वो देवे का छोड़ना देवे, जिताना चाहते हैं। मतलब फिर ये तो आप लोगों का भी जातिवाद होगा केवल जिताना? जातिवाद नहीं हुआ, जो होगा कि कभी अच्छा ना कहे तो हमारे संग कुमार से हमारी तरफ नहीं आओ भाई थी, तो हम तो उल्टी सूदी कुमार ने कही थी और उल्टी सूदी फोन करके पकड़वाओ तो हमें हमारे सब चल रहा हूँ। तो मतलब कानून से आप परेशान रहे? कानून से परेशान है, अबे है वो साहब, अबे तैयारी की कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, तो अब आप मध्य प्रदेश में किसको देख रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बनेगी हमारे तो पंजाबी बने। अच्छा, मतलब कांग्रेस कांग्रेस। चलिए, तो ये लोग थे जिन लोगों से हम लोगों ने बात की, आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।